धरती पर हर मिनट कई सौ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से धरती पर आबादी बढ़ रही है, ऐसे जल्द ही एक समय आएगा जब इंसानों को रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और फिर क्या होगा? ये सवाल आपके भी ध्यान में जरूर आएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। या तो अंतरिक्ष में बने स्टेशन पर, या चांद पर, या फिर मंगल ग्रह पर। जिज्ञासा तो इस बात की भी है कि आखिर अंतरिक्ष में जाने के बाद इंसान का पहला बच्चा आखिर कैसे और कब जन्म लेगा। पिछली सदी का आधा हिस्सा इंसानों ने चांद तक पहुंचने में बिता दिया, जिसे हम स्पेस एज की शुरुआत कहते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर इंसान स्पेस में रहना कब से शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के शोधकर्ता क्रिस एम्पी ने इस सवाल का जवाब दिया है। क्रिस का मानना है कि आज अंतरिक्ष में होने वाली हर चीज का केंद्र धरती ही रहती है, और यहीं से सारा काम होता है। आने वाले 30 साल के अंदर इंसान अंतरिक्ष में रहने लगेंगे, और जब सिविलाइजेशन शुरू होगी तो उम्मीद कर सकते हैं कि साल 2051 या उसके आसपास तक पहला इंसानी बच्चा भी पैदा हो सकता है। आज दुनिया भर में ऐसी कई निजी कंपनियां आ गई हैं जो इंसान को स्पेस में ले जा रही हैं। अंतरिक्ष में अपना दबदबा जमाने के लिए कई देश और कई निजी कंपनियां कई सालों से लगी हुई हैं। सबसे पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये प्रतियोगिता चली, लेकिन जल्दी ही सोवियत संघ दुनिया का बड़ा आर्थिक सुपर पावर नहीं रहा, और धीरे धीरे उसका स्पेस प्रोग्राम भी कमजोर होता चला गया। इस लड़ाई में चीन एक नया योद्धा बनकर सामने आया। चीन ने एंट्री काफी देरी से मारी, लेकिन काफी भारी भरकम बजट के साथ। चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम में हाल फिलहाल में काफी बढ़त हासिल की है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो जल्द ही स्पेस पावर में काफी ताकतवर प्रतिभागी बन जाएगा। अगर किसी निजी कंपनी ने इस क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की है तो वो है एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। मस्क चाहते हैं कि उनके यहाँ से इंसानों को चांद, मंगल और उसके आगे तक पहुंचाया जाए, लेकिन ये कब तक संभव है इस बात की कोई टाइमलाइन नहीं जारी की गई है। एलन मस्क के अलावा एक और बड़े प्रतिभागी हैं, नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रईस इंसानों में गिने जाते हैं, और उनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन्स। ये भी सौर मंडल में कॉलोनी बनाना चाहते हैं। किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए मंगल की यात्रा करना चांद की दूरी से हजार गुना ज्यादा पड़ता है, तो जायज है इंसानों का अंतरिक्ष में घर सबसे करीब चांद ही होगा। चीन और रूस मिलकर चांद की दक्षिणी ध्रुव के पास साल 2036 से 2045 के बीच बेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहे हैं। वहीं नासा भी 2024 में एक बार फिर इंसानों को भेजने की योजना बना चुका है। एक बार इंसान अंतरिक्ष में रहना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे महीनों या सालों में इंसानों की आबादी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अंतरिक्ष में प्रजनन संबंधी कई दिक्कतें भी हैं, जैसे वहां पर गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है और रेडिएशन काफी ज्यादा होता है। ऐसे में होने वाले बच्चे को काफी नुकसान पहुंच सकता है। मान लीजिए अगर किसी तरीके से बच्चा पैदा हो भी जाता है तो शुरुआत में वो काफी नाजुक होता है, और ग्रह पर उनको पालना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए चांद या मंगल पर बनने वाले बेस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अत्याधुनिक होना चाहिए कि एक महिला की डिलीवरी करा सके और उसका पालन पोषण कर सके। लेकिन जाहिर है इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आने में कई दशक लग जाएंगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से इंसानी आबादी बढ़ रही है, आने वाले वक्त में ये बिल्कुल संभव है कि इंसान अंतरिक्ष में रहना शुरू कर दे और वहीं पर इंसानों की दुनिया आगे बढ़ेगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूले हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।